हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब एंड वड़कम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस खजाना। तो आज ना बहुत स्पेशल जगह पे आ गए हैं। तो मैं एक्चुअली चंडीगढ़ जा रहा था, तो रास्ते में एक मूर्थल, आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो दिल्ली NCR से है, मूर्थल जगह पड़ती है जहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन ढाबे हैं। तो अमृत सुखदेव तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आज स्पेशल ढाबा पे रुके हैं, पहलवान ढाबा है, किसी ने रिकमेंड किया था और लास्ट टाइम मैं एक बार आया था, रुका भी था यहाँ पे ना, बहुत ज़बरदस्त ढाबा है। तो अभी जस्ट पार्किंग में आए हैं इसकी, अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ पहलवान ढाबा का। सबको सेम मिलता है, जो पराठे वराठे सबको सेम होते हैं, किसी ने बताया कि इट इज़ मच बेटर देन अमरीक सुखदेव। तो वेट किस बात का यार, चलते हैं अंदर, बढ़िया परोठे शरोठे लगवाते हैं अपने लिए, चाय लेंगे, लस्सी लेंगे, मतलब देखते हैं इनका मेन्यू में क्या क्या है। तो वेट नहीं है, अभी निकलते हैं गाड़ी से बाहर। अभी फिलहाल मैं इनकी पार्किंग में हूँ, पार्किंग सेम है, अच्छी खासी स्पेस है पार्किंग में, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो ये कहाँ पर आ गए, पहलवान ढाबा, आप लोग देख रहे हो पहलवान ढाबा, मतलब अमरीक सुखदेव के ना बिल्कुल नेक्स्ट पे पड़ता है, पूरी पार्किंग स्लॉट है, ये शॉप्स हैं यहाँ पे, मतलब सारी शॉप्स, और मेन हाईवे पे ही है, इजी टू कम, दूर से दिख जाएगा आपको पहलवान ढाबा, और ये इसका ट्रेडमार्क है सिंधु पहलवान जी का ढाबा है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पे। दो गेट है, एक ये है और एक आगे है, तो आगे वाले गेट से चलते हैं, वहाँ पे सीटिंग अच्छी है और पार्किंग काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं है कि पार्किंग शॉर्ट है, काफ़ी लंबी पार्किंग है। गेट पे चलते हैं, आपको एंटर लेके वेलकम। ये है 7 पब्लिक, एंटर होते ही यहाँ पर बैठे हैं हम लोग अपना ऑर्डर के लिए। एक बार मेन्यू में आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर मेन्यू की बात करें तो मेन्यू ये है, सिंधु पहलवान किंग ऑफ हेल्दी फूड, मतलब सब कुछ मिलता है, मेन कोर्स से लेके पराठों से लेके ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे, आलू सब्जी वगैरह सब कुछ है, अच्छा बड़ा मेन्यू है यार, फैमिली के साथ आ रहे हो ना तो बहुत बढ़िया है, आइसक्रीम वाइसक्रीम कुल्फी वगैरह सब कुछ मिलती है, डेजर्ट भी है, चाइनीज़ चाट काउंटर, सूप, हर चीज़ है, रोल वोल, साउथ इंडियन भी है भाई साहब, और क्या चाहिए आप लोगों को, पिज्जा बर्गर भी हैं बच्चों के लिए, केक पेस्ट्री भी है, और लास्ट में आता है थैंक्स फॉर विजिट, तो ये होता है मेन्यू का एंड। तो भीड़ देख रहे हो, सब अच्छा खासा कराओगे। तो अभी अपने लिए भी कुछ बढ़िया सा मंगवाते हैं, मेन्यू तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब देखते हैं ब्रेकफास्ट आइटम में सारा क्या क्या मिलता है। तो ये भैया आ गए हुए हैं, ऑर्डर करते हैं इनसे। तो भैया ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है, आपका स्पेशल क्या है? पराठे सर, यहाँ पराठे जी जी ये ज़्यादा देखो। तो कौन से पराठे होते हैं आपके पास? पराठे सारे मिल जाएंगे सर, ये देखिए मक्खन इसके सवाल आइए है, जैसे तवा का देसी घी का ही है, तवा खाना है कि तंदूरी खाना है? अच्छा, तवा और तंदूरी में ऑप्शन भी है। तो अभी टाइम आ गया हुआ है, हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं? दो आलू परांठा, दो पनीर परांठा, दो दही आलू गोभी, आलू कर दी सर या आलू प्याज? आलू प्याज। तो दो आलू प्याज करें, दो गोभी करें और दो पनीर करें, साथ में चाय भी लेना 5 चाय, मेरे को साथ में 5 चाय और 3 दही, दो दही और दो दही परांठे का, दही नहीं खाए तो क्या खाया? दो दही, दो दही। तो व्हाइट वाला बटर भी देते हो आप लोग? तो व्हाइट वाला बटर भी यहाँ मिल जाता है। ऑर्डर प्लेस हो गया हुआ है, हमने किया है दो आलू प्याज परांठे तंदूर वाले, दो पनीर और दो गोभी, जो यहाँ का स्पेशल आइटम है, उसके बाद साथ में दो दही अलग से लेनी पड़ेगी, साथ में नहीं देते ये लोग, चार्ज है उसका, 5 चाय बोलिए, और बटर जो है ना वाइट वाला, मूर्थल की और सोनीपत हरियाणा की पहचान, वो तो साथ में मिलेगा। तो अभी ऑर्डर आता है ना तो आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या स्पेशल है, और बताऊँगा मैं टेस्ट करने के बाद कि अमरीक सुखदेव से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मिलता है या अमरीक सुखदेव जो है बेटर है, दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो वेट है अभी फिलहाल हमारे पराठे आने की, और जगह थोड़ी है ना, मतलब सुखदेव थोड़ा बड़ा है इससे, आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देखो, ये पूरा अकाउंट है, सिटिंग प्लान सुखदेव थोड़ा कम है इसका, लेकिन किसी ने मुझे रिकमेंड किया है कि भैया टेस्ट अच्छा है, तो मैं कहा चलो फिर खाया जाए, और आपको भी बताया कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जैसे ही मूर्थल का कट होता है ना, मूर्थल के लेफ्ट एक कट आता है,
उसके सामने से फ्लाई ओवर जा रहे हो, फ्लाई ओवर उतरते ही आपको लेफ्ट में ये ढाबा दिख जाएगा और आगे यहाँ से और सारे जो ढाबे हैं वो बड़े बड़े शुरू हो जाते हैं। हम देख सकते हो थोड़ा सा और आगे इसके पहलवान ढाबा, ये अपना जहाँ पे हम आए हुए हैं अभी। तो अभी वेट है अपने खाने की, स्पेस अच्छी है, टेबल वेबल अच्छी है, क्लीनिनेस है और ठीक है, मतलब साफ़ सफाई के मामले में। अब खाने का टेस्ट बताएंगे कैसे। खाना हमारा आने शुरू हो गया हुआ है, ये है दही और ये वाइट बटर और साथ में हरी चटनी आ गई हुई है, ज़बरदस्त। पूरी फैमिली यहाँ बैठी है, वेट हो रहा है सबको खाने का और ये भैया यहाँ पे दे रहे हैं प्लेट। प्लेट लगनी शुरू, ये आप लोग देखो जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे, ये जो इनका वाइट बटर है, सेम टेक्सचर, इसको लेते हैं साइड में और ये दही है एकदम गाढ़ी दही। बहुत ज़बरदस्त, सबसे अच्छी चीज़ ना ये वाइट बटर है। पराठे पराठे हमारे आ गए हुए हैं, ये गोभी है सर, ये पनीर है, ऊपर वाला गोभी है, गोभी है सर, और ये दो गोभी हो गए सर जी, ठीक है, ये पनीर हो गया सर, ये दोनों, ये आलू प्याज हो गया, एक ही आलू प्याज है ये दो, ओके। तो पराठे सारे आ गए हुए हैं एकदम गर्म और बटर अलग से इन्होंने दिया यहाँ पे, अब खाते हैं और बताते हैं आपको। पराठा भी देखो, बटर लगाया ऊपर, अचार ये रहा, ये तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये स्टफिंग है, ठीक ठाक स्टफिंग करी हुई है, ऐसा नहीं है कंजूसी है। अब इसको खोल के देखते हैं, ये है गोभी वाला पराठा, ये पनीर है, पनीर वाला पराठा, ये भी ठीक ठाक ही है खाने लगे। तो एक बाइट लेते हैं, बटर लगाया एंड बहुत बढ़िया पराठा है, टेस्ट सेम है अमृत सुखदे वाला, सारे अब समझ में आ गए जितने भी बेल्ट है ना यहाँ पे पराठों की और रेस्टोरेंट की और ढाबों की, सब में सेम टेस्ट है, कुछ अलग नहीं है, सेम है लेकिन फ्रेश है, रिफ्रेशिंग है। पनीर जो अच्छी क्वालिटी का स्टफ किया हुआ है, चाय भी आ गई हुई है, भैया चाय भी लेकर आ गए कांच वाले गिलास में, कंज वाले गिलास में, ये होता है भैया बेहतरीन। ये हो रहा है आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट पहलवान ढाबे से, आप लोग भी अगर यहाँ पर आने वाला आओ, इन्जॉय करो, पराठे ऑर्डर करो, गर्मा गर्म चाय साथ में वाइट बटर, आके एंजॉय करो। मैं ये खाना ख़त्म करता हूँ और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, चंडीगढ़ में जा रहा हूँ, ट्राई करूँगा, वैसे कुछ काम है आपके लिए कुछ अच्छा व्लॉग लेके आता रहूँ, बट जैसे टाइम मिला अगर कुछ अच्छा काम करने का तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। ये ख़त्म करता हूँ मैं, उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, इस व्लॉग को हैप्पी एंड करते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, जो जिसने अभी प्लान करना है ना अपना कोई टूर या ट्रिप, तो आके पहलवान पे ट्राई करना, अपने सुनते तो बहुत बार चले गए होंगे या और भी चले गए होंगे, तो ये पहलवान पे आओ ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड शुभ बाय।